डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी इंफॉर्मेशन के ट्रेडिशनल मीडियम के रूप में मास मीडिया एक मेन सोर्स है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम बनकर उभरा है। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, इस बात का एहसास उसने ईयर 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब रेवोल्यूशन के वक्त दिखाया था, जब कई अरब कंट्रीज में प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट गिर गई थी। सोशल मीडिया के इस पावर की जहां कई पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, वहीं इसका दूसरा तरफ इतना टेरिबल और हॉरिबल है कि यह बर्बादी और तबाही मचा सकता है। कई कंट्रीज और स्टेट्स में सोशल मीडिया के मीडियम से ऐसे ऐसे मिसलीडिंग न्यूज फैली जिसने प्रोटेस्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया वॉर का भी एक मीडियम बनता जा रहा है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉर कहा जाता है। इसके इस्तेमाल कई कॉन्फ्लिक्टिंग वॉल्स एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए इंडिया की करंट सिचुएशन को लेकर उसे फॉरेन स्टेज में लेस पावरफुल दिखाने में कई ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये लोग इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दिखाकर पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश और इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फेक और मिसलीडिंग न्यूज लगातार फैलाते रहते हैं। मिसलीडिंग और फेक न्यूज का एक्सपेंशन इसलिए भी होता है क्योंकि एल्गोरिदम के मीडियम से यूजर्स को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलने लगती है जो किसी खास टारगेट और एम को हासिल किए जाने के लिए तैयार की जाती है। इस इंफॉर्मेशन को फैलाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फिल्टर बबल की हेल्प ली जाती है। कई रिसर्च में लिखा गया है कि फिल्टर बबल उस पोजीशन को कहते हैं जहां सर्च इंजन किसी भी यूजर्स के इंटरेस्ट, सर्च बिहेवियर, सर्च हिस्ट्री, परचेजिंग हिस्ट्री पर सब इंफॉर्मेशन निकल जाती है। इस रीजन से सोशल मीडिया यूजर्स को एक ही तरह की इंफॉर्मेशन बार बार मिलने लगती है और उसके लिए यह इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन की कंडीशन पैदा होने लगती है और अपने प्रेजुडाइसेस को एको चैम्बर्स में रहने की हैबिचुअल होने लगता है। भारत की पोजीशन को वर्ल्ड स्टेट्स पर, खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज में कमजोर करने के लिए पाकिस्तान और अरब देशों के कई यूजर्स हैं जो लगातार फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। डीफ्रैक की टीम ने ऐसे ही एक अकाउंट का एनालिसिस किया है जो भारत पर प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम ट्विटर पर एक्टिव हमिद अल अली नाम के एक यूजर का एनालिसिस करेंगे। आइए जानते हैं कौन है हमिद अल अली। हमिद अल अली के ट्विटर पर 250,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो 2011 से ट्विटर में जुड़े हुए हैं। हमिद के ज्यादातर ट्वीट्स अरबी भाषा में होते हैं, हालांकि हमिद को अपनी लोकेशन और करंट स्टेट का नाम क्लियर नहीं किया है। हमिद के विकिपीडिया पर दिए गए बायो के अकॉर्डिंग वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अलकायदा के फैसिलिटेटर और उनकी फंडिंग करने वाले ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं। यह 1991 से 1999 तक कुवैत के साफी आंदोलन के जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन रिसेंटली वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये बात कंसर्निंग है कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर मेनली इंडिया को एम करते हुए हेट और फेक कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। आपकी स्क्रीन्स पर दिया टाइमलाइन ग्राफ दिसंबर 2022 से हमिद अल अली के ट्विटर पर एक्टिव होने को दिखाता है। ग्राफ दिखाता है कि ट्विटर पर हमिद अल अली के एंगेजमेंट पिछले साल के कंपैरिजन इस साल ज्यादा बढ़ी है। हमिद अल अली ने कई मौकों पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलाया है। उसने ट्विटर एंटी इंडिया कई हैशटैग के साथ सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की थी या फिर उस सोशल मीडिया कैंपेन में शामिल रहा था। हमिद अल अली भारत विरोधी हैशटैग जैसे हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट, हैशटैग इंडिया प्रोसिक्यूट्स मुस्लिम वुमेन, हैशटैग इंडिया बैंस द हिजाब और एक्सेप्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड ओ मोदी यूज करके कई ट्वीट किए थे। हमिद द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। अरब देशों में कई मौकों पर सोशल मीडिया पर इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की गई। इसके लिए हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हैशटैग चलाया गया था। ऐसे ट्वीट्स के कोलाज भी आपकी स्क्रीन्स पर है। नूपुर शर्मा की प्रॉफिट मोहम्मद की एंटी दी गई स्टेटमेंट के बाद अरब कंट्रीज में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलाया गया। हमिद अल अली भी उस कैंपेन का हिस्सा था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। हामिद अल अली ने टाइम टू टाइम इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर सोशल मीडिया में मिसलीडिंग और फेक खबरें शेयर की हैं। डीफ्रैक की टीम ने इन सब फेक खबरों का पर्दाफाश किया है। मिसलीडिंग न्यूज वन। रामनवमी के मौके पर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में दो ग्रुप के बीच झड़प हो गई और पथराव की घटनाएं भी सामने आई थी। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के रिलेटेड कई वीडियोस वायरल हुए थे। एक वीडियो राजस्थान के गंगानगर का बताकर वायरल किया गया था, जिसमें क्लेम किया गया था कि मस्जिद पर सैफ्रन फ्लैग फहराया गया है। हामिद अल अली ने ऐसा क्लेम के साथ वीडियो को शेयर किया था। डीफ्रैक की टीम ने जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया तो सामने आया कि गंगानगर के मस्जिद पर सैफ्रन फ्लैग नहीं फहराया गया था। दरअसल जिस घर पर सैफ्रन फ्लैग फहराया गया था वो मस्जिद के पास था। गंगानगर पुलिस ने इस मामले पर क्लैरिफिकेशन दिया और फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था।
होम मिनिस्टर अमित शाह ने तेलंगाना में ऑर्गेनाइज एक रैली में कहा था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य के मुसलमानों को मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में दावा किया था कि शिक्षा और नौकरी में मुस्लिम रिजर्वेशन संविधान विरोधी है। अमित शाह ने बयान पर हमिद अलाली ने ट्वीट किया था कि अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान शपथ लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो मुसलमानों के अधिकार खत्म कर देंगे। डीप्रैक की टीम ने हमिद के दावे की जांच की तो पाया कि उसका दावा भ्रामक है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया गया कि अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कर्नाटक की तरह यहां भी मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल अरबी में रिजर्वेशन के लिए मुख्तसा हजत जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। हुकूक का मतलब अधिकार होता है जो हक का बहुवचन है। हमिद अली ने अपने ट्वीट में हुकूक वर्ड का यूज किया है। मिसलीडिंग न्यूज नंबर 3। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लड़के हिजाब पहनी हुई लड़की से बदसलूकी कर रहे थे। लड़कों ने उसका फोन भी छीन लिया था। वीडियो में हिजाब पहनी लड़की अपना फोन लौटाने का अनुरोध भी करती है। इस वीडियो को शेयर कर हमिद अली ने लिखा, भारत हिंदुत्व चरमपंथियों ने हिजाब की वजह से एक मुस्लिम महिला पर हमला किया। दी फैक्ट टीम द्वारा वीडियो का फैक्ट चेक करने पर सामने आया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक महिला प्रसिद्ध बीबी का मकबरा देखने गई थी। कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू पुरुष के साथ घूमने के शक में हिजाब पहनी महिला के साथ बीच सड़क में बदसलूकी की, इसीलिए हमिद अलाली का दावा गलत है। मिसलीडिंग न्यूज नंबर 4। भारत के मणिपुर राज्य में रिजर्वेशन को लेकर हिंसा भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा को अभी तक 54 लोगों की मौत हो गई है। इस हिंसा को हमिद अलाली ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि मणिपुर में हिंदुओं द्वारा मुस्लिम पर हमला कर उनके घर जलाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दंगा राज्य के आरक्षण को लेकर हुआ था। दरअसल मताई कम्युनिटी की ओर से मणिपुर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। इसमें उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था, जिसके प्रोटेस्ट में 3 मई को ऑल ट्राइबल इंस्टीट्यूट यूनियन मणिपुर ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद हालत इतनी बिगड़ गई कि कई जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि ये मुस्लिम विरोधी हिंसा नहीं थी। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीफ्रैक्ट।